पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रितु और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। विजिट divinevastu.net। डॉक्टर रेवा कुमार, योर वास्तु स्पेशलिस्ट।
listeners and welcome to Radio Zindagi 1550 AM 99.7 FM HD3 par main hu Isha aapke saath aur show ka naam hai Divine World of Vastu and Astronumerology. Humne abhi thodi der pehle Ritesh ji se baat ki Reva ji ne aur ab mere saath aa gayi hain bahut hi lovely cute si Reva ji who's PhD awardee and she's from Super Vastu Specialist of Divine Vastu. To Reva ji jo hain humko bahut sari cheeze aise batati hai jo aapko aapke ghar ke liye nahi lekin personally bhi aapko calm down karne mein bahut help karti hai. Intuitive power coupled with her knowledge of Vastu has given her unmatched ability to find effective solutions to her clients' most complex problems. Reva ji ki expertise and insight in quickly analyze kar leti in energies ko of the place aur wo aapko help kar sakti hai taki aapka ghar aap khud prosperous ho sake, harmonious environment mein reh sakte hain chahe wo homes ho, offices ho, hotels ho, restaurants ho ya land sites ho. Her client includes business class, deans of well-known hospitals, lawyers, film producers, actors and directors, doctors, CEO, entrepreneurs, restaurants and businessmen, service class and many others. To har Thursday, har roz, har Thursday, har baar 3-4 ke beech mein hum log aate hain स्टूडियो में और अभी मेरे साथ रेवा जी भी हैं. हाय रेवा जी, कैसे हैं आप? जी हाँ ईशा जी, अब आपके साथ हूँ, बिल्कुल शो के साथ में आ चुकी हुई हूँ जी. और आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ. आज हमारी ईरानी है और ईरानी ईशा है जी, ईरा ईशा और दोनों ही बहुत ही, शी इज वेरी बबलिंग ईशा इज जस्ट सिटिंग बिफोर मी, वेरी स्वीट गर्ल, वेरी बबलिंग गर्ल, गॉड ब्लेस सर. और साथ ही साथ हमारे सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार, जय माता दी. जी हाँ, नवरात्रि, आज लास्ट नवरात्रि का फास्टिंग डे है और ईस्टर, तो पूरा वीक इसी तरह इंजॉय करते जाएंगे. और जब कहते ना कि भगवान जब अपने घर में आए हों, किसी भी रूप में हो, किसी भी देवी देवता को माने, लेकिन ये एक जो अंदर की स्पिरिचुअलिटी होती है, इसकी बात ही अलग होती है. बिल्कुल. और बहुत अच्छा लगता है ईशा कि जब हमारे यहाँ के देखते हैं कि ये संस्कार अपने आपके अगर कंट्री में, तो वो आज यहाँ पे भी है, आज भी आपके साथ है. और कि जैसे अभी आपसे भी मैं बात कर रही थी तो बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब आप लोग भी समझते हैं कि यहाँ रहकर भी इतनी यंग जनरेशन है, फिर भी आप बिलीव करते हैं और इन चीजों को मानते हैं. तो कई बार नहीं भी फास्ट हो सकता है, लेकिन एक विश्वास है जो एक भगवान के ऊपर भरोसा है, वो भी बहुत ही एक मायने रखता है. बिल्कुल. अगर आपने अभी ट्यून इन किया तो बता दूं आपको कि डिवाइन वास्तु एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी शो शुरू हो चुका है, जिसमें हमारे साथ रेवा जी हैं. शो के बाद कांटेक्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. नंबर है 5108683338. और फिलहाल अगर पूछना चाहते हैं कोई क्वेश्चन तो बिल्कुल हमारे स्टूडियो में भी कॉल कर सकते हैं 5107701550. और बता दूं आपको कि आज सवाल आपके, जवाब रेवा जी के, लेकिन फिर सवाल रेवा जी का और जवाब आपका. ट्विस्ट ये है कि आप जब हमें कॉल करेंगे तो आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ऑफकोर्स रेवा जी उसका जवाब देंगी, लेकिन उसके बाद वो आपसे एक छोटा सा ट्रिविया क्वेश्चन पूछेंगे और अगर आपने सही जवाब दिया तो रेवा जी आप जो है बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके आइए. आपको मिल सकता है वन राइस बैग फ्रॉम रॉयल राइस एंड गुजुबाई बनिया दबंग का एक टिकट, साथ में शोभना जी का एक टिकट. वाह वाह वाह, शोभना म्यूजिकल इन इंग्लिश, इट्स अ वेरी फेमस शो. तो इसके लिए आप सुनते रहिए रेडियो जिंदगी. और इसके लिए आप बता दूं कि दिस शो इज ब्रॉट यू बाय रॉयल राइस, ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं तो हमें शुक्रिया करना ही चाहिए. बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल स्पॉन्सर हैं, दे मेट मी एज अ क्लाइंट, लेकिन आज चलते चलते एक अच्छे स्पॉन्सर भी हैं जी. और आई एम वेरी हैप्पी, गॉड ब्लेस दिस रॉयल राइस, कहां से कहां इनको ग्रोथ मिली और इसी तरह इनसे मिलती ही रहे. जी रेवा जी, मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. आप हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बात करते जी, हैं जी. तो ये नेगेटिव एनर्जी को हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं? ऐसा होता है कि ईशा, सबसे पहले तो हमें ये देखेंगे कि ये नेगेटिव एनर्जी कहाँ है, कैसे है, क्यों है, ये एक बहुत मायना रखती है. क्योंकि कई बार नेगेटिव एनर्जी ऐसा नहीं है कि कोई भूत प्रेत हो जाए या कुछ है. नेगेटिविटी की आपको कई बार बेवजह ही आप सोच रहे हैं कि कोई ना कोई आपको स्ट्रेस लेकर आ जाता है, या कहीं आप मूड ठीक नहीं है, या घर में कभी कोई आ रहे हैं. एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं घर में कोई प्रॉब्लम्स आ जाएगी या कोई इश्यूज आ जाते, तो इट मीन्स कि सम नेगेटिविटी इज देयर. अब ये नेगेटिविटी जो है, ये एनवायरमेंट को जो नेगेटिव कर रही है, तो क्या कल कुछ चीजें ही कर देती हैं घर के एनवायरमेंट को. जैसे कि इरिटेटिंग नॉइज, इरिटेटिंग नॉइज मीन्स कि अब मैं भी विजिट करने जाती हूं तो मैं कब देखती हूं कि हम डोर खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं, तो एक बार क्रैकिंग साउंड आती है. वो जो क्रैकिंग साउंड है वो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो स्ट्रक्चर की पॉजिटिव एनर्जी है, उसे खत्म कर रही होती है. तो हमेशा है कि आपको उस नॉइज को स्टॉप करना है. वो आपके घर में बैठे बैठे कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट
इलेमेंट्स लेकर आती है जी। कहीं पे भी अगर आप देखें कि घर में विंडोज को खोलते वक्त या दरवाजों को खोलते या अलमीराज को खोलते क्लोजेट्स को अगर कहीं क्रैकिंग नॉइज आती है तो इट शुड बी फिक्स्ड इमीडिएटली, अदरवाइज दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन आपके किसी न किसी काम में या घर के बीच में कई बेवजह बैठे बैठे आर्ग्यूमेंट्स लेकर आती है जी जी। आज हम आपसे लिसनर्स डिस्कस कर रहे हैं कि इफ एवरीथिंग इज एज अ वास्तु प्रिंसिपल्स है लेकिन फिर भी क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं जी, तो उसकी मीन्स की सम नेगेटिविटीज अराउंड स्टिल देयर। सेकंड हम ले लेते हैं जैसे अब की टॉयलेट एंड किचन है। अब टॉयलेट एंड किचन चलिए हम बोलते हैं कि टॉयलेट हमारा और किचन हमारा नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए जी। अब नॉर्थ ईस्ट में नहीं है साउथ वेस्ट में नहीं है फिर भी प्रॉब्लम कई बार आ जाती है। अब वहां पे कहां आती है अगर आप टॉयलेट अगर आपका कहीं डायरेक्शन में और अगर टॉयलेट का सीट अगर आपने बंद करके नहीं रखा या टॉयलेट का आप देख सकते हैं कि मिरर अगर हमारा गलत डायरेक्शन में है और अगर टॉयलेट का जो कलर है वो आपने पेंट ब्लैक और रेड में किया हुआ है तो वहां पे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ साथ कई बार एक्सीडेंट्स और कई बार लिकर ड्रग्स जैसी चीजें भी घर में बहुत एंटर हो जाती हैं। अरे बाप रे। और वो आपके घर का जो एक एटमॉस्फेयर है इतना नेगेटिव कर देती है कि आपने अगर किसी ने नहीं भी कुछ लिया तो भी आप चिड़चिड़ापन रहेगा आपको। अब आ जाता है किचन में। किचन में कब नेगेटिविटी जब आप खाना बनाते हैं देखती हूं मैं कि जो कुकिंग स्टेशन है जहां पे खाना बना रहे हैं कुकिंग स्टोव है बिल्कुल गंदा हो रहा है काला हो रहा है आप उसको नीट एंड क्लीन नहीं करके रख रहे इवन कि रात को सोने के समय भी अगर आपने खाना बनाया सब कुछ एनएफसी कि सब डस्ट पड़ा हुआ है सब कुछ पड़ा है सब्जी गिरा है तो अगर वो चीज भी गंदी होगी तो वो भी वो नेगेटिविटी देगी वो क्या करेगी आपकी मनी को मनी का लॉस कर देगी। आप कहेंगे कि मैंने तो बहुत ही अच्छा सैलरी है सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं पता कि अनवांटेड एक्सपेंसेस क्यों आ गए। तो अनवांटेड एक्सपेंसेस जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर नॉर्थ वेस्ट में किचन है वो है लेकिन अगर नॉर्थ वेस्ट में किचन नहीं है किचन साउथ ईस्ट में है तो फिर भी अगर अनवांटेड एक्सपेंसेस है इट मींस द किचन जो है वो आपने बहुत ही गलत करके रखा हुआ है गंदा करके रखा हुआ है बर्तन जूठा पड़ा है तो पड़े हैं पानी में से नलक में से पानी टपक रहा पड़ा है या घर के बर्तन अगर चिप्स अगर थोड़ा क्रैक हो गया ग्लासिंग एंड स्टिल इट इज लाइंग देयर तो इट मींस दिस इज टोटली नेगेटिव। नेक्स्ट आ जाता है क्लटर। क्लटर तो बहुत ही ज्यादा कुछ भी कर लीजिए आप जितना मर्जी वास्तु डिफेक्ट्स को दूर कर लगा लीजिए प्रोडक्ट्स लगा लीजिए टूल्स लगा लीजिए कुछ कर लें लेकिन अगर आपका घर का क्लटर वहीं पे ही अगर आपने डीक्लटर नहीं किया हुआ तो आपको कहीं कोई हेल्प नहीं मिल सकती है लिसनर्स। बिल्कुल याद रखिये मीन्स कि अगर आप देखते हैं कि घर में सालों साल पुरानी मैगजीन्स पड़े हैं न्यूज पेपर पड़े हैं कई बार मैं विजिट करती हूँ मैं देखती हूँ कि पुराने पेपर्स हैं बिल्स हैं जो बिल्कुल जरूरत नहीं है और वो उनके टेबल पे बिखरे हुए हैं। यहां तक कि अगर आपका वर्क स्टेशन पे अगर आप ऑफिस में काम करते हैं कई पेन्स टूटे हुए हैं या पेपर्स बिखरे हुए हैं तो आपको अपनी प्रमोशन अपनी जॉब में भी आपको नेगेटिविटी मिलेगी वहां पे भी आपको बैकबाइटिंग मिलेगा वहां पे आपको अपने सीनियर्स के अपने सबॉर्डिनेट से आपको बहुत नेगेटिव एनर्जी मिलेगी तो देन वी समटाइम्स वी फील अरे मैं सारा दिन काम किया लेकिन मेरे को जाते ही ऑफिस में मेरा मूड खराब हो गया ऐसा हो गया क्यों हुआ ये क्यों क्या का रीजन अगर आप कुछ देखें तो अगर हमारा वास्तु सब सही है फिर भी है तो इट मीन्स कि दीज आर द थिंग्स विच वी आर गिविंग अस अ नेगेटिव। नेक्स्ट आ जाते हैं डेड थिंग्स। अब डेड थिंग्स क्या होती हैं विच इज नॉट लाइव भगवान नहीं करे किसी की अगर कोई डेड बॉडी हो हम घर में नहीं रखते ना जी, तो जी, अगर जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो गया फिर भी आपको रखने का शौक है कि रखना है मेरे को सजा के रखना है। टीवी खराब हो गया तो पड़ा है जो चीजें डेड होती जा रही हैं स्टिल यू आर कीपिंग विथ यू इट मीन्स कि दीज आर द नेगेटिविटी वो आपको नेगेटिविटी देती है। या अगर आपने ड्राई फ्लावर्स रखे हुए हैं बहुत देखती हूँ कि हाँ अगर आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स रख रहे हैं अगर आपने सिल्किन फ्लावर्स रखे हैं जिनमें लाइफ दिखती है बहुत अच्छा दिखता है दैट इज गुड जो मतलब ओरिजिनल दिखे बिल्कुल लेकिन अगर आपने डेड फ्लावर्स रखे हैं ड्राई रखे हुए हैं या कई बार प्लांट्स बिल्कुल ड्राई हो गए हैं पीले हो गए हैं एंड वो वहां पे पड़े हैं तो इट मीन्स कि द डेड एनर्जी इज देयर जो आपको बैठते ही आपको स्ट्रेस देगी मीन्स कि आपको कहीं भी आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा या आप अपने आप को अपने अनहेल्दी फील करेंगे या बैड हैबिट आए आपको लगेगा कि मैं इस घर से भाग जाऊं या अपने आपको डिप्रेशन में लेकर आ जाएंगे। सो व्हाट वी हैव टू यू हैव टू जिस समय डीक्लटर करेंगे साथ ही साथ एनी इलेक्ट्रॉनिक चाहे वो घड़ी है चाहे वो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है यू जस्ट सी कि क्या वो वर्किंग पोजिशन में है पुरानी घड़ियां जो पड़ी रहती बिना बैटरी के नई घड़ियां गेट इट फिक्स नहीं है तो आप दे दीजिए।
میں یہ نہیں کہتی کہ کلیکشن برا ہے, لیکن لیٹ دیم ان ورکنگ پوزیشن. بہت زیادہ نیگیٹیوٹی دیتی ہیں, یہ آپ کے آپ کی گروتھ کو اسٹیگنیٹ کر دیتی ہیں, آپ کے کام کو. ایون کہ اگر گھڑی گھنٹہ بھی پیچھے ہوئے گی تو آپ یہ لے لیجیے کہ آپ اپنے کام کے لیول سے بھی خود فیل کریں گے کہ آپ کی سیل ڈاؤن ہو گئی ہے یا آپ کا کہیں کام نہیں چل رہا. اس سمے دیکھیں یا کہیں پہ گھر کا بلب فیوز ہو گیا ہے. اگر بار بار بلب فیوز ہو رہا ہے, گیٹ اٹ فکس, اس کا مطلب کہ وہ آپ کو کہیں نہ کہیں چوٹ لگنے والی ہے یا کہیں نہ کہیں کوئی ایکسیڈنٹ بھگوان نہیں کرے ہو. یا شیشہ اگر ٹوٹ گیا ہے, گلاس ٹوٹ گیا ہے, یا کئی بار میں دیکھتی ہوں ونڈو پینز اگر کریک ہیں تو پڑے ہیں. جی نہیں, اٹ مینس کہ وہ آپ کو کہیں نہ کہیں نقصان دیں گے, مان عزت مان ہانی ملے گی یا کہیں پہ آپ کو بہت پرابلم کر سکتے ہیں. جی ریوا جی, فون بھی ہمیں آنے لگے ہیں. جی لیتے ہیں, لیتے ہیں کال. ہیلو ہیلو ہیلو, لگتا ہے ویٹ ہو رہا تھا اتنے ٹائم سے. ہیلو ہیلو, ہاں جی کون بول رہے ہیں؟ ہاں میرا نام سانسلی ہے اور میں اپنی ڈاٹر, میری بہت بیمار رہتی ہے جی, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ گھر میں ایسا کیا کرنا چاہیے تاکہ اس کی طبیعت ٹھیک رہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کیا ہے, کیا بچے کو کیا ساؤتھ ایسٹ ڈائریکشن میں تو نہیں سو رہا. دو تین چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گی, آپ ضرور جاننے کی کوشش کریے اکارڈنگ ٹو واسطو کہ کہاں پہ نارتھ ایسٹ میں کہیں ٹوائلٹ تو نہیں ہے, پلس ساؤتھ ایسٹ میں بچہ تو نہیں سو رہا یا کہیں نارتھ ویسٹ میں بچہ سو رہا ہے. اگر یہ تین ڈائریکشنز میں کہیں پرابلم ہے تو وہاں پہ بچے کے ساتھ ایسے ایشوز آتے ہیں. پہلے تو آپ یہ چیک کیجئے. دوسرا آپ کو اس کے لیے میں آپ سے ایک بتانا چاہوں گی کہ اس کے بیڈ کی طرف, اگر سر کے نیچے کی طرف میں جہاں بیڈ سر ہوتا ہے اس بیڈ کے نیچے اگر آپ گرین کلر کی نائٹ لائٹ لگائیں گے اس کو ضرور ہیلپ ملے گی. ساتھ ہی ساتھ اس کو جب بھی میڈیسن لینی ہے, میک دیئر ہیبٹ کہ اگر وہ نارتھ ایسٹ کی طرف فیس کر کے اگر میڈیسن لیتی ہیں تو وہ میڈیسن بہت ہی جلدی اثر کرتی ہے, بچے کو تکلیف سے جلدی فائدہ ہوتا ہے. اور کہیں بھی اس کی میڈیسنز کو آپ ساؤتھ ویسٹ یا ساؤتھ ایسٹ یا کچن میں بالکل نہیں رکھیے. اگر آپ کچن میں میڈیسنز کو رکھیں گے تو آپ کھانے کی طرح میڈیسنز آپ کھائیں گے یا بچہ کھائے گا. باقی آپ اس کو ڈاکٹر سے جو بھی لے رہے ہیں آپ ان کا پورا ٹریٹمنٹ رکھیے, لیکن کچھ چیزوں کو اگر آپ فالو اپ کریں گے تو ٹریٹمنٹ بھی بہت جلدی اثر کرے گا اور بچے کو فرق بھی جلدی پڑے گا. ایکچولی اس کا بیڈ روم جو ہے وہ ہے تو ساؤتھ ایسٹ میں ہی ہے بچوں کا بیڈ روم, پر میں نے بیڈ جو کیا ہوا ہے وہ میں نے نارتھ ویسٹ کی طرف کیا ہوا ہے. بالکل بھی نہیں, بالکل نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اگر بچہ تکلیف زیادہ رہتی ہے میری آپ سے ایڈوائز ہے اس کو ساؤتھ ایسٹ میں مت سلائیے. اگر نارتھ ایسٹ میں کوئی بیڈ روم ہے آپ کے پاس میں تو آپ بچے کا بیڈ نہیں, نارتھ ایسٹ میں تو اسٹیئرز ہیں, اسٹیئرز ہیں. تو اب آپ ایک کام کریے, اگر ساؤتھ ایسٹ میں اگر آپ اس کو سلا رہی ہیں تو آپ اس کا سر ساؤتھ کی طرف کریے اور اس کے سر کے پیچھے کہیں پہ بھی کھڑکی نہیں ہو. ساؤتھ میں کھڑکیاں ہیں, نارتھ میں مرر اور انٹرنس ہے. ایک تو مرر کو اس کے روم سے نکال دیجئے گا, مرر کو ان کے روم سے بالکل نکال دیجئے, نہیں تو مرر کے اوپر میں کپڑا ڈال دیجئے اس کی باڈی کو ریفلیکٹ نہیں کرے. Okay. اور دیکھیے کہ آپ کے پاس میں کہاں کوئی ویسٹ میں روم ہے آپ کا, نارتھ ویسٹ نہیں ویسٹ ڈائریکشن میں کوئی روم ہے آپ کے پاس؟ نہیں, ایکچولی ہم سین فرانسسکو میں رہتے ہیں نا, تو یہاں گھر بڑے چھوٹے ہوتے ہیں اور گھر میں صرف جیسے آگے لیونگ روم ہے, کچن ہے بیچ میں, دین دو بیڈ روم ہے, ایک ہمارا اور ایک بچوں کا. اچھا, تو جو بچوں کا بیڈ روم ہے دیٹ فالز ٹوورڈ ساؤتھ ایسٹ, ساؤتھ ایسٹ, ہمارا فالز ٹوورڈ ساؤتھ ویسٹ. چلیے آپ ایک کام کریے, اگر بچے کو تکلیف زیادہ ہے تو آپ اس کی انرجی کو شفٹ کروا سکتی ہیں ساؤتھ ایسٹ سے نارتھ ایسٹ جہاں پہ اسٹیئرز کی طرف ہے, کیونکہ بیڈ روم تو چینج نہیں کر سکتے. آئی کین ہیلپ یو ٹو شفٹ دا انرجی, لیکن فار اے ٹائم بھی میں آپ کو ایک ریمیڈی دینا چاہوں گی کہ آپ اس کا بیڈ جیسے نارتھ ویسٹ کی طرف کیا تو نارتھ کی طرف کم کریے, نارتھ ویسٹ کی طرف کم کریے, ویسٹ کی طرف زیادہ بیڈ کر دیجیے تاکہ سوتے وقت اگر جو ونڈو ہوگی ان کے رائٹ سائڈ میں آ جائے گی. جس ٹائم وہ لیٹیں گی سوئیں گی تو ونڈو ان کے رائٹ سائڈ میں آئے گی. اور ساؤتھ ایسٹ میں اس کا جہاں جہاں ساؤتھ ایسٹ آپ کو 120 ڈگری اگر کمپیس لے کے کھڑے ہوں گے وہاں پر آپ گرین کلر کا نائٹ بلب لگا دیجئے اور اس کمرے کا مرر کو بالکل بند کریں, ساتھ ہی ساتھ چاندی کا تار اندر کی طرف لگائیے اس کے روم کا جو اس کا بیڈ روم کا دروازہ ہے اس کے تینوں طرف چاندی کا تار لگا دیجئے. یا آپ مجھے ای میل کر سکتی ہیں فلور پلان, لیٹ می گو تھرو تو ہم اس کے مطابق آپ کو بتائیں گے پھر کیا کریں. جی میں آپ کو پوری ڈیٹیل دوں گی سو آپ آن ایئر سن سکتی ہیں ڈیٹیل. اور اب آپ کا شبھ نام؟ جی میرا نام سنجلی برمن ہے. کیا نام ہے جی؟ برمن, سنجلی برمن. سنجلی برمن, سنجلی برمن. اوکے, آپ سین فرانسسکو سے بول رہے ہیں سنجلی؟ ہاں جی. سنجلی کیا میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں؟
हाँ जी कहिए। तो आप सुन रही हैं हमारा प्रोग्राम, कब से सुन रहे हैं? मैंने बस आज ही शुरू किया था, वो एक्चुअली पहले कोई और थे जो एस्ट्रोलॉजी बता रहे थे जी, उनसे मेरा नंबर डाल के वो मिला नहीं, फिर वो अभी आप पे मिला, तो मुझे ये पता है कि आप मास्टर करते हैं, इसलिए मैंने सोचा। ठीक है जी, आपसे पहले आप सुन रहे थे रितेश कुमार जी को जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से बताते हैं, अब मैं हूँ आपके साथ में। चलिए अब मेरा सवाल है, देखते हैं आप क्या जवाब देती हैं। वास्तु के बारे में कुछ तो नॉलेज रखती ही होंगी आप। हाँ जी ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं कि अगर मैं साउथ ईस्ट में मना कर रही हूँ बच्चों को नहीं सुलाना चाहिए, उसका क्या रीजन है? बिकॉज वहाँ पे किचन होना चाहिए, दैट्स ऑल आई नो, कि वहाँ पे किचन होना चाहिए, तो फायर की उसके लिए अच्छा होता है, वुड एनर्जी होती है शायद उस तरफ जी, वुड एनर्जी होती है, तो इसलिए कहते हैं बच्चों को नहीं सोना चाहिए। पर जब हम घर ले रहे थे हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं है, आपने बिल्कुल बता रहे हैं कि फायर एलिमेंट है। देखिए अब वुड एनर्जी है, फायर और वुड का कोई रिश्ता नहीं है क्योंकि वो वुड को बर्न कर देता है। अगर हमारा वहाँ फायर एलिमेंट है, फायर ने अपनी जगह लेनी है, जैसे कि मैंने आपने पहले जब बताया कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने आपसे कहा कि इट माइट बी कि वो साउथ ईस्ट में तो नहीं सो रही है, क्योंकि साउथ ईस्ट फायर की वजह होने से वो जब अपनी जगह लेगा तो चाहे वहां पे टेम्परामेंट, वहां से तबीयत, इन सब चीजों के साथ में हमारे को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि आप इस रूम की एनर्जी को शिफ्ट करवाएं, तब तक के लिए आप ये लीजिए। लेकिन आप विनर हैं कि नहीं ये आपको शो के 5 मिनट पहले बताऊंगी, इसी तरह सुनते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड कीप लिसनिंग। रेवा जी दूसरा कॉल ले हम? जी हाँ लेते हैं जी। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं संगीता बोल रही हूँ। हाँ जी बताइए, आपका क्या क्वेश्चन है रेवा जी के लिए? मैंने अपने घर के लिए पूछना था, मंदिर की जगह चेंज करनी थी, उसके बारे में पूछना था। संगीता जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं फेयरफील्ड कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। ओके जी, तो आप क्या जानना चाहती हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा जो मैंने मंदिर बनाया हुआ है ना, तो वो किचन के साथ ही है जी, अलमीरा में बनाया हुआ है, उसको मैं शिफ्ट करना चाहती हूँ। किचन आपकी कहाँ पर है? मेरी किचन नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में किचन। आप वेज खाते हैं नॉन वेज खाते हैं? दोनों चीजें, मैं दोनों वेजिटेरियन हूँ लेकिन फैमिली के और मेंबर्स खाते हैं ना किचन जी। सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट में आपकी किचन है, नॉर्थ ईस्ट में किचन तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विद द जुपिटर प्लैनेट। लेकिन अगर किचन में मंदिर भी पूजा का स्थान नहीं होना चाहिए, आप नॉनवेज भी खाते हैं, पहले आप ये देखिए कि संगीता जी क्या आपके पास में जहाँ किचन है उसके ऊपर कोई बेडरूम है, कोई रूम है जहाँ आप पूजा की स्थान बना सकती हो? ऊपर तो है, जगह बनी हुई है जहाँ मेरा वॉशिंग रूम है, उसके साथ में कॉर्नर में एक जगह बनी हुई है, अलमीरा बनी हुई है, क्या उसके ऊपर बना सकती हूँ? जी हाँ बिल्कुल, आप नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, पर अगर नॉर्थ ईस्ट में है वहाँ पर जगह है। नॉर्थ ईस्ट ही है, मैंने सुबह देखा 30 डिग्री एंगल जा रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आप वहाँ पे पूजा का स्थान बनाइए, दैट्स वेरी गुड फॉर यू। किसी दिन भी बना सकती हूँ? देखिए आजकल बहुत ही अच्छे दिन चल रहे हैं, कल मैया जी का दिन भी है, कन्या पूजन करिए ना, वहीं बैठ के थोड़ा सा कन्या पूजन कीजिए, प्रसाद बनाइए, सब कुछ करिए, कल भी परसों भी जिस समय भी आपको सही लगे आप वहाँ पे पूजा का स्थान कर सकती हैं। एक्चुअली क्या मैंने मंदिर जो इस वक्त खिचड़ी वगैरह बिजी हुई है ना, वो नीचे वाले मंदिर में ही रखी हुई है, इन दिनों तो कुछ नहीं खाते, ऑनियन लहसुन वगैरह साथ में। अभी खिचड़ी बिजी है, आज नहीं बनाइएगा, जब आप अगर आप अष्टमी करते हैं तो तभी स्थान को बदलिएगा, क्योंकि अगर आपने खिचड़ी बिजी है तो इसका मतलब आपने मैया जी का स्थान दिया हुआ है, तो उसको अष्टमी या नवमी करने से पहले उस स्थान को छेड़िए मत, ये मेरी आपसे एडवाइस है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अष्टमी करते हैं तो अष्टमी पूजन करने के बाद में आप पूजा का स्थान बदल दीजिए, या नवमी करते हैं तो नवमी करने के बाद बदलिए, लेकिन आज नहीं करिएगा, फिर अगर खेतरी बीजिए तो उसी स्थान पे विराज रहने दीजिए। लेकिन उसके सामने एक बात और थी कि मेरा ना बच्चों का बाथरूम का दरवाजा पड़ता है, तो कोई बात नहीं? नहीं बिल्कुल, बाथरूम को दरवाजा फेस कर रहा है वो दरवाजा, नहीं फिर वहाँ पे नहीं गईगा। क्या आप इस तरह से अरेंज कर सकती हैं उस जगह के ऊपर में कि आपके पीछे दीवार आ जाए, बाथरूम का दरवाजा राइट की तरफ चला जाए, कोई हर्ज नहीं है? राइट, एक मिनट, लेफ्ट की तरफ का दरवाजा? नहीं, मतलब कि जब आप बैठेंगे भगवान को देख रही हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो आपके पीछे साउथ वेस्ट का कॉर्नर है, तो जो दरवाजा है वो आपके लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा? एक मिनट, मैं डायरेक्ट लेफ्ट जाएगा, तो मतलब आपके पीछे नहीं आना चाहिए। अच्छा
नहीं पीछे नहीं, पीछे तो मेरे वाले बेडरूम का सीधा दरवाजा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, साउथ साइड है। हाँ जी, उसको दरवाजे को बंद रखा करिएगा, और जो बाथरूम का आपके लेफ्ट में सामने नहीं आना चाहिए, पीठ के पीछे नहीं आना चाहिए, मतलब कि ना आपकी पीठ के पीछे बाथरूम होना चाहिए ना भगवान जी के पीछे होना चाहिए, लेफ्ट में है राइट में है दरवाजे को बंद रखे वो ज्यादा बेहतर है, पर रहने दीजिए उसको। धन्यवाद। अगला सवाल, जय माता दी। संगीता जी मैं भी सवाल करना चाहूंगी आपसे। मेरा एक ही छोटा सा सवाल है, क्या घर में स्टेयर्स हमारी जो होती हैं नॉर्थ ईस्ट में होनी सही है कि नहीं? मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए, मेरी नॉर्थ ईस्ट में ही है। नहीं आपकी है, वास्तु के हिसाब से फेसिंग नहीं, फेसिंग नहीं, फेसिंग होता है कि किस और किस जगह, ये फर्क है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या नॉर्थ ईस्ट में वास्तु प्रिंसिपल्स के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ होना अच्छा है कि नहीं? मेरे ख्याल से अच्छा है, टाइम में आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ। ओके चलिए, आप कहते हैं कि मेरे हिसाब से अच्छा है, मैंने आपका जवाब ले लिया है, लेकिन इस जवाब के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ठीक है कि नहीं। जी आप बिल्कुल सुनते रहिए रेडियो जिंदगी। इसी के साथ सबको बताना चाहूंगी कि अगर आप कॉल कर रहे हैं तो सवाल आपके हैं, जवाब रेवा जी के हैं, फिर सवाल रेवा जी आपसे पूछेंगे और जवाब आपका होना चाहिए। अगर आपने बिल्कुल सही जवाब दे दिया तो बस आप जीत सकते हैं बिल्कुल एक बैग राइस का फ्रॉम रॉयल राइस, एक गुजू बाय बनिया दबंग का टिकट और एक शोभराज कृष्णा का टिकट। तो रेवा जी क्या बोलते हैं, कॉल ले लें, बिल्कुल लेंगे जी। ऑल राइट, हेलो, हाय, हाँ जी, हाय जी, अनु फ्रॉम बलिंगेन, आई हैव अ क्वेश्चन। जी बोलिए। या अनु फ्रॉम, अनु फ्रॉम बलिंगेन। ओके जी बताइए। ओके, आई हैव अ न्यू हाउस। आप रेडियो बंद कर देंगे मैम पीछे से प्लीज? श्योर 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 जी। माय हाउस एंट्रेंस इज टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट, एंड वेन यू एंटर द डोर ऑन योर लेफ्ट इज द किचन एंड द राइट इज द बाथरूम, एंड वेन अगेन ऑन द राइट गो लिटिल फर्दर देन ऑन ऑपोजिट द बाथरूम इज द बेडरूम। Anu, you are saying that it is towards the southwest. If we are entering inside the house, we are entering from the southwest. And if I am entering inside, then I am facing towards the northeast. Am I right? राइट, यू राइट, ठीक है। एंड द राइट साइड इफ आई एम एंट्रिंग द राइट साइड, इमीडिएटली जैसे ही एंटर करेंगे द राइट साइड यू आर हैविंग द टॉयलेट? नॉट इमीडिएटली, देयर इज अ वॉकवे, ओके, द वॉकवे इट्स अ बिग वॉकवे, एंड देन ऑन द राइट इज अ बाथरूम, एंड देन द लेफ्ट इज अ किचन, एंड देन देयर इज अ लिविंग एरिया, बिग लिविंग एरिया टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ओके, इट मीन्स वी आर एंट्रिंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट एंड द बाथरूम इज इन द किचन, बाथरूम इज इन द साउथ ईस्ट एंड योर किचन इज इन द नॉर्थ वेस्ट। किचन एकदम से राइट में है ना, जैसे यहाँ बाथरूम, अगर मेरा बाथरूम इस तरह बाथरूम है जिसे वॉकवे है, फिर राइट में वो हो गया ना। आप एक काम कर सकते हैं कि मैं अभी, क्योंकि काफी कॉल्स हैं, मैं इस समय आपको सिर्फ आपकी एंट्रेंस को लेकर सवाल का जवाब दूंगी, बाकी आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, क्योंकि अगर आपके पास में, मुझे जब भी आप एक सवाल करें या जब भी ईमेल करें, मेरी आपसे एडवाइस है सभी लिस्टनर से, प्लीज गिव मी द डिग्रीज, क्योंकि कई बार 10 डिग्री के बाद में भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और उसी से साउथ वेस्ट और साउथ और वेस्ट में फर्क आ जाता है। अब आपका सवाल है, इफ यू आर एंटरिंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दिस डायरेक्शन इज रिलेटेड विद द मेल मेंबर ऑफ द हाउस, बिकॉज कि साउथ वेस्ट में हमारी एनर्जी खत्म होती है, तो क्या होगा कि नॉर्थ ईस्ट से वॉट एवर यू आर अर्निंग इट विल बी ड्रेन आउट फ्रॉम द साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट अगर हमारा खुला होगा या एंट्रेंस डोर होगा, या घर के मेल मेंबर को कई बार जॉब का स्ट्रेस या कई इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। साउथ वेस्ट प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिए, अगर आपका घर साउथ वेस्ट फेसिंग है तो ये इस प्रॉपर्टी में आने के बिटवीन 6 to 21 months में कोई ना कोई ये पहली नेगेटिविटी लेकर आता है। पहले तो आप देखिए कि जो भी मैं बता रही हूं कि क्या भगवान नहीं करे अगर ऐसे कुछ दौर से गुजर रहे हैं, तो मैं अनु जी आपसे जरूर बताऊंगी कि बेटर टू रेक्टिफाई द मेन एंट्रेंस डोर दैट इज द साउथ वेस्ट, उसको आप जरूर रेक्टिफाई करें, एंड फॉर दैट रेक्टिफिकेशन यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द डिवाइन टूल्स। उससे क्या होगा कि हम जो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस की एनर्जी है उसको पाकुआ लगा के उसको नेगेटिविटी को ब्लॉक कर देंगे, साथ ही साथ आप वहां पर बाहर की तरफ कॉपर वायर भी लगा सकती हैं उसकी एनर्जी, नेगेटिविटी एनर्जी को खत्म करने के लिए। कॉपर वायर कहाँ पे लगाएं? जो एंट्रेंस डोर, जो एंट्रेंस डोर है उसके तीनों तरफ लगा दीजिएगा, दरवाजे का जो वुडन फ्रेम है। ओके,
एंड देन आप एक वो भी तो बोलती ना कि अगर चौथे पारवे वट इज चौथे पारवे में हो. देखिए चौथे पारवे में नहीं करते इस तरह से. आपको क्या करना है, ये किसी और ने भी हमसे सवाल किया था तो आपने हो सकता है किसी और के शो से सुना होगा. दीज आर द स्टेप्स. चौथा पाग में कभी नहीं होता. फर्स्ट जैसे कि हम लेते हैं कॉर्नर्स एंड नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. अब जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जब नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर्स आ जाता है वहां से हम लोग स्टेप्स को काउंट लेते हैं. मीन्स कि अगर वहां पे पहला स्टेप या फोर्थ स्टेप आएगा उसका जो थर्ड स्टेप है दैट यू हैव टू अवॉइड इट. आप उसको अवॉइड करेंगे. लेकिन टोटल 9 स्टेप्स को हमने काउंटिंग करनी होती है. एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जब प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं वी डिवाइड इट बिटवीन द 9 पॉइंट्स. 9 स्टेप्स में करने के बाद में जो आपका पहला फर्स्ट से लेके तीसरा जो तीसरा स्टेप होएगा उसको आप अवॉइड कर देंगे. फिर उसके बाद में जब सातवां और नौवां स्टेप के बीच में जगह आएगी उसको अवॉइड करेंगे. इसके अलावा इसमें कहीं और नहीं होता. अब आपका साउथ वेस्ट है तो अगर साउथ वेस्ट अगर आपका घर 220 और 240 डिग्री के बीच अगर नजर आता है तो वो सही नहीं है. लेकिन कहीं पे भी अगर वो 200 डिग्री आ जाता है या अगर 270 280 डिग्री को शो करेगा तो वो चौथा स्टेप नहीं होगा. वो घर ठीक होगा आपके लिए. तो 200 डिग्री गुड है आपने बोला. 200 यस दैट इज टुवर्ड्स द साउथ. ओके एंड देन टुवर्ड्स द साउथ इज ओके बट साउथ वेस्ट इज बैड. देखिए मैंने आपसे बताया कि साउथ वेस्ट इज बैड. अब 200 डिग्री साउथ घर है लेकिन अगर आपका घर साउथ है एंड द किचन इज इन द रॉन्ग डायरेक्शन नॉर्थ आपका एलिवेटेड है तब आपको साउथ का घर नुकसान देगा. लेकिन इफ इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ योर किचन इज इन द साउथ ईस्ट योर मास्टर बेडरूम इज इन द साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट यू आर हैविंग ए मोर ओपन स्पेस देर इज नो टॉयलेट नो बाथरूम इन द नॉर्थ ईस्ट 200% मैं आपको कहती हूँ कि साउथ फेसिंग घर हमें फायदा देगा. अच्छा बट इफ मैं आपको ऐसे कभी डायग्राम भेजती हूँ आप भेजिए ईमेल करिए जी. और अब मेरा सवाल है अनु जी आपके साथ जल्दी से मैं एक छोटा सा सवाल आपके साथ में करूंगी. अगर हमारा साउथ वेस्ट फेसिंग घर है जैसे कि आपने बताया और नॉर्थ अगर हमारा ब्लॉक है तो नॉर्थ को जो ब्लॉक एरिया है उसकी एनर्जी लेने के लिए क्या हम वहां पे कुछ लगा सकते हैं विदाउट एनी डिवाइन टूल? क्या कुछ वहां लगा सकती है नॉर्थ की एनर्जी लेने के लिए? नहीं, चलिए आपका भी मैं जवाब जरूर दूंगी इसके बाद में दूंगी जी. बिल्कुल सुनते रहिए रेडियो जिंदगी. और मैं फटाफट बता दूं अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो हम बात कर रहे हैं रेवा जी से जो डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी हैं. और ये भी बता दूं कि अगर आप कॉल करेंगे तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं जवाब रेवा जी देंगी फिर आपका सवाल जो है रेवा जी करेंगी और फिर जवाब आपको देना पड़ेगा. चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर उठा लेते हैं हम लोग. हेलो हेलो रेवा जी मधु ये है जी. मधु जी कैसी हैं बताइए आप. रेवा जी मेरा क्वेश्चन एक तो ये है कि मैं पूछना चाहती हूँ कि ये मेडिसिन जो हम डेली लेते हैं तो वो कहाँ रखनी चाहिए? शुड आई कीप इन द बेडरूम? आप कहते हैं किचन में नहीं रखनी चाहिए. और दी अदर थिंग इज दिस कि मेरे को बहुत ज्यादा मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी है ये बेसलेस मीनिंगलेस स्ट्रेस हो रहा है. मधु जी आप एक तो काम ये करें कि जो भी आप मेडिसिन है जो आप रेगुलर मेडिसिन लेती हैं कभी किचन में नहीं रखें बेडरूम में नहीं रखें. अगर आपके घर का कोई नॉर्थ ईस्ट में कोई जगह है या वहां कोई क्लोजेट रख सकती हैं वहां पे रखिए. नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके अगर आप मेडिसिन लेती हैं चांदी के ग्लास में लेती हैं तो वो मेडिसिन बहुत जल्दी असर करती है. और अगर एक्स्ट्रा मेडिसिन है बहुत ज्यादा मेडिसिन है वैसे ही आपने घर में सेफ्टी साइड के लिए कई बार फर्स्ट एड बॉक्स रख लेते हैं कुछ है उन सबको आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ रख दीजिए. लेकिन जो आप रेगुलर लेती हैं विटामिन्स लेती हैं या जो डेली आपको डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया मेडिसिन लेट इट बी इन द नॉर्थ ईस्ट. नेक्स्ट सवाल था मधु जी आपका कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी महसूस कर रही हैं एनर्जी में. मैं बहुत ही ईजी आपको तरीका दे रही हूं कि सॉल्ट होता है रॉक सी सॉल्ट ले लीजिए कोई भी सॉल्ट ले लीजिए. एक तो घर पे जब भी आप पोछा लगाती हैं मॉप करती हैं थोड़ा सा पानी में सॉल्ट डाल के उसको करिए वो बहुत जल्दी नेगेटिविटी एब्जॉर्व करता है. नेक्स्ट उसके साथ में अगरबत्ती इज द बेस्ट. अगर आप सुबह शाम दो अगरबत्ती जला के उसे क्लॉकवाइज पूरे घर में घुमाएंगी चाहे वो बेसमेंट हो चाहे वो आपका स्टेयर्स का हो गैराज का हो क्लॉकवाइज पूरे घर में अगरबत्ती को सुबह शाम घुमाइए. साथ ही साथ शाम के समय लाइट को जरूर ऑन करिए. आप बहुत महसूस करेंगी कि नेगेटिविटी घर से बाहर है. या कभी कभी थोड़ा सा बेल भी होता है जिसको हम घंटी करते हैं ना पूजा के टाइम. सारा दिन मत घंटी बजाइए नहीं तो झगड़ा रहेगा. सुबह शाम थोड़ा सा देर भगवान जी की आरती करती है पूजा करें तो थोड़ी देर उस घंटी को बजाइए वो आपको इस नेगेटिविटी से बाहर लाएगी. एंड ऑलवेज
close your eyes 5 minutes for the 5 minutes and think all positive energy we are getting. ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कोई कुछ नहीं कहता होगा, मुझे भी कुछ लोग गलत कह देते हैं, मेरे लिए भी negative बोलते होंगे, लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज करती हूँ, बहुत मुस्कुराते हुए कह देती हूँ कि that's good, अच्छा है कि कोई मेरी परेशानी को किसी ने या मेरे किसी ग्रह को ठीक किया है, तो उसका मुस्कुराते हुए, क्योंकि हमारे को भगवान ने जो ब्लेसिंग्स दी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमारे को जो ब्लेसिंग्स हमारी अपनी फैमिली ने देनी है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बाकी तो काम ही है लोगों का कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. अच्छा, बिल्कुल नेगेटिव नहीं रहिए. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. मधु जी से मेरा सवाल. जी बिल्कुल मधु जी, तैयार है आप? हेलो हेलो. हाँ जी, जी मधु जी तैयार है आप मेरे सवाल का जवाब? अच्छा जी, अब आप यहाँ पे हैं मधु जी, आप एक जल्दी से थोड़ा सा बड़ा छोटा बताऊंगी कि अगर हमारे घर का दरवाजा नॉर्थ वेस्ट को फेस कर रहा है तो हमें अपने घर के बाद में क्या लगाना चाहिए? कई बार मैं बोलती हूँ ना लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए? अगर हमारा घर नॉर्थ वेस्ट को फेस कर रहा है तो मधु जी कह रही हैं कि मुझे घर के बाहर कॉपर वायर लगाना चाहिए, ये कह रही हैं आप? हाँ जी, ऊपर से सारी घुमा के तीनों साइड में. और उसके अलावा सैटरडे को आप सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं जी, एवरी सैटरडे दैट आल्सो वर्क्स. जी, अगर आपका वेस्ट फेसिंग घर है या वेस्ट फेसिंग में बैकयार्ड भी आता है वहाँ पे भी आप सरसों के तेल का दिया जला सकती हैं. तो मधु जी सवाल का जवाब गलत था, ठीक है मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, लेती हूँ नेक्स्ट कॉल. जी हेलो 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 हेलो. हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं दीपा बोल रही हूँ, मैं आपका प्रोग्राम अभी अभी शुरू हुआ था मैं सुना. जी रेवा जी से आपका क्वेश्चन क्या है? मेरे को वास्तु के बारे में कुछ भी पता नहीं है. कोई बात नहीं, दीपा जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सांता क्लारा से बोल रही हूँ. हाँ जी बताइए, मेरा कुछ आपका सवाल कुछ है वास्तु से रिलेटेड या सिर्फ आपने रेवा जी को हाई कहने के लिए फोन किया है? मेरे को वास्तु का पूछने का, वास्तु है क्या? वास्तु है क्या? अच्छा, रेवा जी, दीपा जी वास्तु एक साइंस है, दिस इज अ इंडियन एंशियंट आर्किटेक्ट साइंस, ये पिछले 5000 साल पुरानी है, उससे भी ज्यादा पुरानी है. मतलब ये कि वास्तु जो जहाँ पे हम रहते हैं ये एक संस्कृत का वर्ड है, उससे जुड़ा हुआ है. कई बार आपने देखा होगा कि मैं नहीं जानती आपका एज ग्रुप क्या है, कई सालों पहले भी अगर आपके बड़े बुजुर्ग थे देखा होंगे कि घरों के आंगन बहुत बड़े बड़े होते थे, घरों की शेप बहुत होती थी. याद है कि जब सीढ़ियां बनाते थे तो मुझे आज तक याद है कि पहले टाइम पे जब सीढ़ी बनती थी तो हम सोचते थे व्हाई दे काउंट, वो काउंट करते थे कि सीढ़ियां ऑड नंबर पे आ रही है कि इव नंबर पे इवन पे आ रही है. जैसे कि बोलते थे पहली सीढ़ी इंद्र यम राज, मतलब कि अगर लास्ट सीढ़ी यम पे खत्म हुई है तो अच्छी नहीं मानते थे, अगर राज पे खत्म हुई है तो वो अच्छी मानी जाती थी. तो वो साइंस से जुड़ी हुई थी, वो देखा करते थे कि नींव को कहां से लेना है, कि नॉर्थ ईस्ट की जहां से हमारे को कॉस्मिक एनर्जी मिलती है. ये पांच तत्व से जुड़ी साइंस है, जैसे हमारे शरीर को पांच तत्वों की जरूरत होती है उसी तरह इस सारे संसार को इन पांच तत्वों की जरूरत है. वही हमारे जहां हम ड्वेलिंग है जहां हम रहते हैं ये भी इन्हीं पांच तत्वों से जुड़ी है. और भी अगर आप डिवाइन वास्तु के बारे जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी. कौन सी वेबसाइट? जी मैं आपको बताती हूँ, आप सुनते रहिए रेडियो जिंदगी. अगर आप रेवा जी को कांटेक्ट करना चाहते हैं शो के अलावा भी तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 5108683338. उनकी वेबसाइट है divinevastu.net और उनका ईमेल आईडी है divineavu@gmail.com. यहाँ पर आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं और जो भी आपको जानना है वास्तु के बारे में आप पूछ सकते हैं. तो रेवा जी क्या बोलते हैं, नेक्स्ट कॉलर ले लें? जी बिल्कुल लेंगे. हेलो हेलो, मुझे लगता है लोग काफी वेट कर रहे हैं फोन का. और अगर अभी भी आपको कुछ पूछना हो वास्तु से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास हो तो हमें कॉल करिए, हमारा स्टूडियो नंबर है 5107701550. तो इसी के साथ कॉल आ गया हमारा. हेलो हेलो. हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं अंजना बोल रही हूँ. जी अंजना जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं अभी सेंटा क्लारा से बोल रही हूँ. जी बताइए. मुझे पूछा, आपने बोला ना अभी कि साउथ वेस्ट में डोर होना अच्छी बात नहीं है ना? जी. तो मेरे घर का जो मेन डोर है वो तो नॉर्थ ईस्ट में है. जी. तो मेरा ग्राउंड डोर जो है वो साउथ में है. जी. साउथ वेस्ट, नॉट एग्जैक्टली साउथ बट साउथ वेस्ट. जी. तो वहाँ से एक डोर आता है अंदर को. जी. जो तो यूजली हम तो 99% वही यूज करते हैं, तो इट काउंट लाइक अ मेन डोर. जी.
देखिए ऐसा है अंजना जी कि हम साउथ नॉर्थ ईस्ट की तरह हमारा घर मेन फेस करता है, दैट्स वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है जो आपको काफी फायदा देता है। ये बात भी सही है कि यहाँ पे हमारे पास गैराज है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी पीपल आर एंटरिंग फ्रॉम द गैराज क्योंकि ग्रोसरी है, ये है, वो है, जूता है, तो आप साउथ वेस्ट से एंटर कर रहे हैं। तो मेरी आपसे जरूर एडवाइस है कि एक तो जो आपका साउथ वेस्ट में गैराज है उसकी दीवारों को आप येलो कलर का पेंट जरूर करा दीजिए क्योंकि उसकी नेगेटिविटी को बहुत जल्दी खत्म करेंगे। प्लस अगर वहां पर आप पाकुआ पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट भी लगा सकती हैं या पेंट नहीं कर सकती तो येलो कलर का नाइट बल्ब जरूर रखिए जो ऑन रहे क्योंकि अगर वहां पे गैराज है वहां जो भी स्टफ रखेंगे ग्रो करता जाएगा लेकिन वहां से आने जाने के रास्ते के लिए एडवाइस नहीं करती हूं। फिर भी अगर गैराज है यूज तो करेंगे ही करेंगे, उसको आप इस तरह से कर सकते हैं लेकिन उसके साथ एक अपनी आदत बनाइए कि आपको दिन में 10-12-15 बार आपको मेन एंट्रेंस डोर जरूर खोलना है। ये मत सोचिए कि आप गैराज से एंटर हो जाते, किसी भी बहाने खोले, नॉर्थ ईस्ट को जरूर खोलने की कोशिश कीजिए ताकि वहां से आपको कॉस्मिक एनर्जी मिले, आपको हेल्थ अच्छी मिले, हर तरह से आपको फायदा हो। लेकिन अगर आप उसको खोलेंगी ही नहीं, दरवाजा ही नहीं खोलेंगी कि बिकॉज दिस इज द माउथ ऑफ द हाउस, नॉर्थ ईस्ट आपका है वो माउथ है, आपके घर का मुंह है दरवाजा जो है, तो अगर आप खोलेंगे नहीं तो हमारे पास आएगा कैसे, हमारे को शांति कैसे मिलेगी, तो उसके लिए मेरी आपसे यही एडवाइस है। नहीं वो तो मैं खोलती हूँ, हर रोज खोलती हूँ। और जो एक और क्वेश्चन है कि जो मेरा बेड मास्टर बेडरूम है वो एग्जैक्टली ग्रास के ऊपर है, तो दैट्स गुड, साउथ वेस्ट में बहुत अच्छा है। और जो आपने पिल्लो की डायरेक्शन बताई नॉर्थ ईस्ट नहीं होने की, जी बिल्कुल नहीं ना, जी नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, हमेशा सोते समय सर का डायरेक्शन हमारा साउथ की तरफ होना चाहिए क्योंकि हमारा हेड है दैट इज द नॉर्थ पोल ऑफ द बॉडी, तो हमारे को जो नॉर्थ की तरफ से वो मैग्नेटिक एनर्जी एक दूसरे से रिपल्शन देंगी, तो आपको क्या करना है एनर्जी फीड टू हेड जानी चाहिए फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बट वो नॉर्थ में नहीं है, बट नॉर्थ ईस्ट है, कोई बात नहीं, आपको पर्टिकुलर नॉर्थ को अवॉइड करना है जितना, अगर साउथ नॉर्थ ईस्ट की भी एक डिग्री को ले लीजिए कि अगर 80 डिग्री से अबव की तरफ आपका सर जा रहा है तो चिंता करने का जरूरत नहीं है, अगर 45 डिग्री से नीचे आ रहा है तो आप हटा दीजिएगा वहां से। और डिटेल में अगर आपको मैम जानना है तो आप कॉन्टेक्ट भी कर सकती हैं रेवा जी को, उनका नंबर है 5108683338। ओके मैम, ओके जी, मैं सवाल जी अंजना जी, जब मैं जल्दी से सवाल करूंगी आपके साथ में, जैसे कि आपका घर तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, तुलसी रखने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स? नॉर्थ ईस्ट। वाओ, ग्रेट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम फॉर टॉकिंग टू अस। आप भी कॉल कर सकते हैं हमें, हमारा स्टूडियो नंबर है 5107701550 और रेवा जी से आप सवाल पूछ सकते हैं और फिर रेवा जी आपसे एक सवाल पूछेंगी और अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आप जीत सकते हैं गुजुबाई बनिया दबंग का टिकट, एक राइस बैग फ्रॉम रॉयल राइस और एक टिकट शोभनाज म्यूजिकल इन इंग्लिश विच इज कृष्णा। जी हाँ ईशा, क्योंकि अभी जब तक हम कॉल अभी और लेते हैं, इससे पहले मैं अभी बताना चाहती हूँ कि जिनमें से कुछ हमारे पास कॉल जिनसे मैंने सवाल किया था कि उनका रीजन क्यों नहीं मैं कह रही की हाँ, है। हाँ जी। जैसे कि हमारे को बर्बन ने फोन किया, उन्होंने सैन फ्रांसिस्को से कहा था फायर एलिमेंट बताया। चलिए संगीता जी ने हमसे बात करी थी तो मैंने उनसे सवाल किया था स्टेयर्स के लिए, उन्होंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स होनी अच्छी है। संगीता जी, नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास कभी भी स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब कि नॉर्थ ईस्ट को अगर आप देखें इमेज को देंगे तो वास्तु पुरुषा जब दिखाते हैं उनका जो सर है वास्तु पुरुष मंडल का नॉर्थ ईस्ट की तरफ असर होता है, तो जैसे कि भगवान नहीं करे अगर सीढ़ियां होंगी तो इसका मतलब कि हमने उस जगह का हेड स्टेयर्स को काट दिया, उससे क्या हो जाता है कि आपको घर के किसी न किसी मेंबर को कोई ना कोई हेल्थ से, या भगवान नहीं करे, मैं माफी मांगकर कह रही हूं कि कई बार बच्चे जो पैदा होते हैं कोई ना कुछ हेल्थ के इश्यूज के साथ में ऐसी चीजें आती हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्टेयर्स कभी नहीं होनी चाहिए। तो स्टेयर्स अगर आपको मिले तो हम ले सकते हैं, ईस्ट की तरफ से स्टेयर्स को ले सकते हैं या हम ले सकते हैं नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ टू साउथ अगर स्टेज होंगी तो हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट स्टेज हैं तो हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट आपने कहा था वो आपका आंसर सही नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास में अनुजी, जिन्होंने हमसे बात करी थी तो मैंने उनसे सवाल किया था कि अगर हम साउथ वेस्ट की तरफ से अगर सपोज करिए एंटर कर रहे हैं तो हम नॉर्थ को इनहेंस कैसे कर सकते हैं अगर हमारा नॉर्थ ब्लॉक है, तो उन्होंने जवाब नहीं दे पाए। अनुजी, अगर आप साउथ वेस्ट से एंटर कर रहे हैं और आपका नॉर्थ अगर देखते हैं कि ब्लॉक है, मींस कि हमारा फैमिली रूम है या नॉर्थ में हमारा लिविंग रूम है और देखते हैं कि ब्लॉक हो रहा है, वहां वॉल है, वहां कोई विंडो नहीं है, तो आप उसको ठीक करने के लिए
उसकी एनर्जी को लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आप कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगल मिरर लगाइए। अगर उस मिरर का जो मेजरमेंट है दैट अगर नंबर 9 आता है, मतलब कि आप 27/18 लगा सकती हैं या 8/18 लगा सकती हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल मिरर लगाएंगे तो वो नॉर्थ को डेप्थ देगा। हमारा मिरर नॉर्थ और ईस्ट में लगाने का यही कारण होता है कि वहां से हम कॉस्मिक एनर्जी ले सके, वहां से उसकी डेप्थ को ले सके। जी, नेक्स्ट हमारे साथ में बात कर रही थी मधु जी, जिन्होंने बोला कि नॉर्थ वेस्ट में कॉपर वायर लगाने के लिए। जी नहीं मधु जी, कॉपर वायर हमेशा हम साउथ वेस्ट में यूज करते हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में जो बाहर आप उसकी एनर्जी को ठीक कर सकते हैं, अगर वहां पर आप मेटल का विंड चाइम लगाएंगे तो चाहे वो 5, 6 और 7 इन तीनों में से कोई भी रॉड का मेटल का विंड चाइम लगाएंगे तो आपको हेल्प करेगा। जी तो रेवा जी, हाँ हम कॉल ले लेते हैं। हेलो, रेवा जी के लिए क्वेश्चन है। जी पूछिए। नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। मेरा किचन और बाथरूम की वॉल कॉमन है तो क्या करना चाहिए? देखिए, किचन और बाथरूम की वॉल अगर कॉमन है, पहले तो वॉल कॉमन का तो मैं आपको बताऊं कि सही है, पीछे तो नहीं है, मतलब वाइल कुकिंग इफ व्हेन यू आर कुकिंग का आपकी जो पीठ के पीछे तो नहीं आता ना। जी आप अपना रेडियो बंद कर देंगे मैम पीछे से? मैम आप अपना रेडियो प्लीज बंद कर सकते हैं पीछे से? जी हाँ जी, आप बताइए। हेलो, हाँ जी मुझे लगा। हाँ जी हाँ बताइए। कुकिंग के टाइम पे ठीक है, तो जो बाथरूम का वॉल है जब आपके बैक साइड पे तो नहीं है, मतलब कि जो दरवाजा है बाथरूम का आपकी पीठ की तरफ तो नहीं है? नहीं, राइट साइड पे। आपके राइट साइड पे है, और जब राइट साइड पे बाथरूम का दरवाजा है तो जो कुकिंग स्टोव है बिल्कुल उसी वॉल के ऊपर में है, या आप कह सकते हैं कि उस वॉल पे क्या है, जो ज्वाइनिंग वॉल है किचन की उस पे क्या है वहां पर? सिंक है, वाटर सिंक है वहां पर। देन नथिंग टू वरी, बहुत ही इजी मैं आपको रेमेडी बताऊंगी। वहां पर आप बैम्बू शूट्स होते हैं ना, लाइव बैम्बू शूट्स होते हैं जो चाइनीज प्लांट होता है, थ्री शूट्स का, जिसके बीच में थ्री शूट्स हो, 1, 2, 3 पेबल्स के साथ होना चाहिए, सिर्फ पानी के नहीं है, पेबल्स के साथ होना चाहिए। उस पे आप एक रेड रिबन लगा दीजिए और एक कॉपर या मेटल का पैनी डालिए। अब वही वाटर सिंक पे भी रखिए, और जहां पर बाथरूम का किचन का सिंक, बाथरूम का सिंक आ जाएगा वहां पे भी रखें। ओके, तो उसकी नेगेटिविटी को ले जाएगा। आपका नाम जी? आपका नाम बताइए। डॉली। डॉली जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? सनीवेल। सनीवेल से डॉली, अब मैं सवाल कर सकती हूँ आपसे? हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत ही सिंपल सा मैं सवाल कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल सा सवाल कर रही हूँ। अगर हमारे को अपना पैसा देखते हैं कि कई बार हमारा बहुत खर्चा हो रहा है, या हम अपनी ग्रोथ सेविंग को बढ़ाना चाहते हैं, अगर सेविंग को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा मनी लॉकर रखने का बेस्ट जगह कौन सा है, एंड वाइल ओपनिंग ड्रॉ किस डायरेक्शन को खुलना चाहिए? साउथ वेस्ट, बट साउथ साइड ऑफ द साउथ वेस्ट, और इट शुड ओपन टुवर्ड्स द नॉर्थ। जी आप कब से हमारा शो सुन रही हैं डॉली जी? वो आप पंडित जी के साथ सभी बात साथ में थे ना, तभी से। अच्छा, तब से आप कर रही हैं, कितना फॉलो कर रहे हैं आप? ट्राई करते हैं, जब भी टाइम मिलेगा तो वो टाइम निकाल के सुनते हैं, टाइम करके सुनते हैं, फॉलो करते हैं। क्या आर यू सेटिस्फाइड विथ मी? क्या जो मैं आपको रेमेडीज देती हूँ, क्या आप सेटिस्फाइड हैं उनसे? हाँ, बहुत अच्छी रेमेडीज है, मैं दूसरे लोगों को भी बताती हूँ। चलिए, थैंक यू डियर, थैंक यू जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप करते हैं, और आपने जो आंसर दिया, यस यू आर राइट, कि हमारे को साउथ वेस्ट का जो साउथ है वहां पर आपको लॉकर रखना है, एंड इट शुड ओपन टुवर्ड्स नॉर्थ। यस दैट्स यू आर राइट। थैंक यू रेवा जी। थैंक यू। तो रेवा जी, यहाँ तो बहुत ही पुराने पुराने हमारे पास लिसनर्स हैं जो आपकी टिप्स और सब कुछ बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, क्योंकि तभी मैंने उनसे पूछा कि आप कब से, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही बोला था कि साउथ वेस्ट का साउथ, क्योंकि मैं पर्टिकुलर बोलती हूँ कि साउथ वेस्ट के साउथ पे रख दीजिए, अगर आप साउथ वेस्ट के वेस्ट की तरफ रखेंगे वही आपको पैसे का नुकसान दे देगा। अच्छा। लेकिन अगर आपके साउथ वेस्ट कॉर्नर का साउथ में अगर आप रखेंगे तो वो आपको जरूर हेल्प करेगा। तो आई एम वेरी हैप्पी रियली डॉली, शी इज डन गुड, की शी इज फॉलोइंग। मैं ये नहीं कहती कि मेरे को ही फॉलो करें, बट उन्हें ध्यान था आपकी बातों का, वो कि दे आर फॉलोइंग इट प्रॉपरली। तब तक मैं अभी और कॉल लेती हूँ, और अभी आज के जो हमारे कॉलर्स अभी तक आ चुके हैं हमारे संग जो बिल्कुल सही जवाब में थे, आपका जो बमन है फ्रॉम फायर एलिमेंट जिन्होंने बताया, तो उनका आंसर
से बिल्कुल सही है हमारे पास में अभी तक आया है। हमारे पास में अंजना जी जो सेंटा क्लारा से थी उनका आंसर बिल्कुल सही है। दीपा जी जो उन्होंने सेंटा क्लारा से किया तो उन्होंने आज फर्स्ट टाइम हमसे पूछा है पर उन्होंने जवाब सवाल नहीं कर पाए हमसे। और डॉली का भी हमारा आंसर अभी तक बिल्कुल सही था। इन कॉल्स को लेने से पहले मैं जल्दी से आपको एक और चीज भी मैं बता दूं अपने लिसनर्स को, क्योंकि हम नेगेटिविटी के लिए बात कर रहे थे। आई एम टॉकिंग कि कई बार आप देखते हैं कि आपका मूड भी बहुत ज्यादा डिप्रेस है कि बैठे बैठे चाहे हमारे बड़े हों या कुछ है कि मूड स्विंग करता है, डिप्रेस करता है कि व्हाट्स द रीजन। कहीं ना कहीं तो नेगेटिविटी है जो हमारे मूड को दे रही है। अगर हमारा मूड अगर आप देखते हैं कि बार बार डिप्रेस हो रहा है इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप अपने घर में अंधेरा बहुत ही ज्यादा रखते हैं। मैं समझती हूँ कि कई बार हमसे कहते हैं कि एनर्जी का बिल बहुत ज्यादा आ जाता है, मानती हूँ, लेकिन उसके साथ में हमारे को ये भी देखना है कि डिप्रेशन अगर हमारे को देता है तो वो क्या दे सकता है। डिप्रेशन हमारे को जहां पर आप अंधेरा रखेंगे तो लिसनर्स क्या करें, मेक योर हैबिट स्पेशली एट द इवनिंग टाइम। सन सेटिंग के समय में एक बार आप अपने पूरे घर की लाइट्स को जरूर से जरूर ऑन करिए, पूरे घर की, इवन कि आपका बाथरूम है रेस्ट रूम है उसके लिए भी कर लीजिए। नहीं आप घर पे फिक्स द टाइमर, आप टाइमर लगा सकते हैं आजकल तो इतना फायदा हो गया है ईशा की हम सब चीजों का फायदा ले सकते हैं। तो आप उसको टाइमर लगा के जैसे ही आप अपने घर की देखेंगे तो उससे आपको जितना भी आप बेवजह कम कई बार डिप्रेशन ले लेते हैं एक बार फियर ले लेते हैं उससे आप पूरा बचाव पा सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी नेगेटिविटी आती है दैट इज कई बार डिजीज इन्वायरमेंट हम लिख लेते हैं। कह देना कि भगवान नहीं करे कोई बीमार है जिसकी वजह से सारा एटमॉस्फेयर डल हो जाता है घर का। तो वो हमको नहीं बनाना है, दिस इज अ नेगेटिव एनर्जी। अगर कोई भगवान नहीं करे ठीक नहीं है तो हमको उसको पॉजिटिव एनर्जी देनी है, उसकी नेगेटिविटी को खत्म करना है। वी डोंट वॉन्ट कि वो और अपने आप को स्ट्रेस ले। तो उससे क्या हो जाएगा, आप यू डोंट हैव टू शो हिम सिंपैथी और पिटी, वो तो बेचारी वो बेचारा वो बीमार। नो, यू हैव टू जस्ट टेक केयर कि उस घर का एनवायरमेंट हमको कैसे पॉजिटिव करना है। तो आपने क्या करना है, कोशिश करिए स्पेशली उस समय अगर कोई घर में बीमार है, अगर उनकी कोई भी नॉर्थ या ईस्ट की अगर विंडो मिलती है, आई एम टेलिंग यू इट्स ट्रू, अगर आप लिसनर्स इसको फॉलो करके देखिए एंड देन लेट मी नो, रिमार्केबल रिजल्ट मिलेंगे आपको। अगर उनके नॉर्थ और ईस्ट की विंडो को घर की जहां पे बीमारी की तकलीफ ऐसी रहती है, डिजीज एनवायरमेंट रहता है, एटलीस्ट 20 टाइम्स दिन में आप उस विंडो को खोलिए, बंद करिए। पर सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट की और कोई विंडो को नहीं, सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट की विंडो को दिन में अगर आप 20 टाइम्स भी आप उसको खोलेंगे बंद करेंगे, क्योंकि वहां की साइंटिफिकली लॉजिक ये है कि उसकी वहां की कॉस्मिक एनर्जी चाहिए, वो जो एक हवा का झोंका वो एक एनर्जी आएगी, जो वहां की सनलाइट एनर्जी आएगी वो पूरे एनवायरमेंट को एक शुद्ध कर देगी। वो बिल्कुल आपके एनवायरमेंट को ठीक कर देगी जिससे आप उससे बिल्कुल पूरा का पूरा फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, और ये इतनी छोटी सी वेरी सिंपल थिंग, हाँ, आपको इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना, जाके सिर्फ एक विंडो खोलनी है। और अब आप इशारा कर रही हैं कि समय आगे बढ़ रहा है तो जल्दी से मैं बाकी कॉल्स नहीं ले, कॉलर्स आप बाकी माफी चाहती हूँ कि आपकी कॉल्स नहीं ले पाऊंगी, कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर फिर आएंगे। पर अभी रेवा जी फटाफट से बता देंगे हमारे विनर कौन है। हमारे विनर जिन्होंने हमारे जो स्पॉन्सर है रॉयल राइस का जिनका बैग जीता है, डॉली फ्रॉम सनीवेल, आप लेते हैं राइस बैग। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ईमेल करनी है और आपको रेडियो जिंदगी में आकर आप आके अपना बैग लेके जा सकती हैं। ईमेल किसको करना है ये बता दीजिए ईशा जी आप जल्दी से। जी तो ईमेल ईरा को कर सकते हैं, ये तो आपको कर सकते जी, मुझे कर सकते हैं। आपको बस ईमेल करना है isha@radiozindagi.com पे, तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, बहुत छोटा सा नाम है isha@radiozindagi.com और मैं आपका बैग आप तक पहुंचा दूंगी। आप रेडियो जिंदगी के ऑफिस भी आ सकते हैं। साथ में आप ये ईमेल लेकर आएंगे, जो आप करेंगे उसकी ईमेल की कंफर्मेशन कॉपी लेकर आइए और आप कलेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट जिन्होंने हमारे को कृष्णा का म्यूजिकल शो विन किया है एंड शी इज दैट्स अ बर्मन फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को फायर एलिमेंट के लिए, जिन्होंने हमारे को साउथ ईस्ट का जवाब दिया था, शी इज द सेकेंड विनर। ओके, तो कृष्णा का जो विनर है वो है बर्मन और आप उनके लिए भी मुझे ईमेल कर सकती हैं। कब का शो है आप जल्दी से इन्हें बता दीजिए। जी बिल्कुल, शो जो है वो होने वाला मई 10th को संडे के दिन, तो शोभनास कृष्णा म्यूजिकल इन इंग्लिश मई 10th संडे के दिन होने वाला है, तो आप इसके टिकट बिल्कुल मुझसे कलेक्ट कर सकती हैं। आपको ईमेल करना है isha@radiozindagi.com। और हमारे पास में जो थर्ड विनर हैं जिन्होंने आपका गुजू बाई बनिया दबंग जो कि बहुत ही लाइट हार्टेड बहुत अच्छा शो होने वाला है और ये शो होने वाला है April 24th फ्राइडे के दिन चैबोर कॉलेज में, तो 7:30 बजे से ये शो है, तो कौन जीता है इसके टिकट? उसकी विनर है हमारी अंजना फ्रॉम सेंटा क्लारा।
ओके, तो मुझे लगता है इनका तो वीकेंड पैक्ड हो गया है रेवा जी, क्योंकि ये जो है बहुत ही अच्छी से ये शो जा सकती हैं। और कोई भी शो की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप TripleEntertainments.com पे भी जाके इन सारी शोज की इन्फॉर्मेशन आप ले सकती हैं। ऑलराइट रेवा जी, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया आपका शो करके। ईशा, हमने भी बहुत अच्छा किया। और हमारे सभी लिस्नर, वंस अगेन आपको अष्टमी रामनवमी की, ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेडियो जिंदगी 1550 हमारी तरफ, उनके परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अगले सप्ताह इसी मिलेंगे, और विनर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपसे रिक्वेस्ट है कि समय से आप अपना जल्दी से अपना ईमेल कर दें। और मैं एक बार फिर बता देती हूँ, आपको ईमेल करना है ishaisha@radiozindagi.com पे, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। आप मुझे ईमेल करिए, कंफर्मेशन मेल आप लेकर आइए रेडियो जिंदगी के ऑफिस, एंड देन यू कैन टेक योर टिकट्स राइट हियर। चलिए मैं यहाँ से जाती हूँ, मिलूंगी कल आपको सुबह 8 बजे चलते का नाम गाड़ी में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, जय माता दी। Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.